यूपी की क्रिकेट टीम के कप्तान और रणजी प्लेयर माधव कौशिक ने अब अपने पहले सॉन्ग प्यारे मोहब्बतें के साथ ही म्यूजिक में अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी। कौशिक अपने पहले म्यूजिक वीडियो को लॉन्च करने के लिए दिल्ली के साकेत पहुंचे। यहां 100 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स के बीच उन्होंने अपनी लाइव परफॉर्मेंस दी। उनकी इस नई इनिंग्स की शुरुआत पर उन्होंने इंडिया न्यूज संवाददाता अंकित चंदेल से खास बातचीत की। क्रिकेट से म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखने पर उन्होंने क्या बताया, क्या चेंजेस आए हैं, कब से म्यूजिक को लेकर उनके मन में ये मोहब्बत की प्यार पनपा, ये सारी बातें उन्होंने डिटेल में की हैं। आप सुन लीजिए। देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूँ आपके साथ अंकित चंदेल। और वो कहते हैं ना कि कहानियाँ, लाइफ, मूवीज, OTT, वेब सीरीज, म्यूजिक के बिना हर कुछ अधूरा है। और म्यूजिक को म्यूजिक बनाते हैं कमाल के म्यूजिशियन, और ऐसे म्यूजिशियन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपनी म्यूजिकल पारी को शुरू करने जा रहे हैं। बात कर रहा हूँ माधव कौशिक की, AKA मैडी हमारे साथ मौजूद है। मैडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू। जिस तरह से प्यारे मोहब्बतें अपने आप में एक डिफाइन कर रहा है कि गाना क्या दर्शाना चाहता है, बहुत ही कमाल की वीडियो है और काफ़ी बेहतरीन आपकी सूदनिंग वॉइस है। पहले तो मैं चाहता हूँ दो लाइनें, अगर आप इंटरव्यू आगे हम बढ़ाने से पहले दो लाइनें हो जाएं आपके मुख से, तो और क्या चाहिए। प्यारे मोहब्बतें जहाँ मैं तो मैं यहाँ अकेला क्यों, दिले अरमां है जुबां पे, तूने दिल से खेला क्यों। तो जिस तरह से आपकी पहली लाइन है कि प्यारे मोहब्बतें फिर भी मैं अकेला क्यों, तो ऐसा कौन है जिसके बिना आप अकेले हैं, ये स्टोरी कहाँ से आई, इसका आइडिया कहाँ से आया कि गाना, पहला गाना यही मैं करूँ, और क्या कंसेप्ट था गाने के। काफ़ी टाइम पहले लिखा था मैंने गाना, और कॉन्सेप्ट मतलब ऐसे ही थोड़ा सा मेरा टफ फेज था लाइफ का, तो तभी लिखा था। और तब से फिर मेरी म्यूज़िकल जर्नी स्टार्ट हुई। मैं वैसे क्रिकेट खेलता हूँ प्रोफेशनली, तो क्रिकेट टोर्स पे भी मैं गिटार लेके कॉम्पोजिशंस करता हूँ, तो बस वहीं से स्टार्ट हुआ सारा। जिस तरह से आपने, पहले तो आप सभी को बता दूं कि हमारे इंडियन यूपी टीम के कप्तान हैं मैडी जी, और जिस तरह से क्रिकेट का अपना आपका सफ़र रहा है शुरू से, और अब ये स्विच किस तरह आया, क्योंकि पहली मैं आपकी इंस्टाग्राम की पहली पोस्ट देख रहा था, आपने 15 दिसंबर 2015 को डाली थी, तो वहाँ से आप पहली पोस्ट ही म्यूज़िकल थी, तो इतना टाइम क्यों लग गया, मतलब म्यूज़िक आप ऑफिशियल आज इतना टाइम बात कर रहे हैं, तो इतने साल क्यों लगे। क्योंकि क्रिकेट में इतना टाइम रिस्ट्रेन होता है कि मैं हर टाइम उससे ऑक्यूपाइड रहता हूँ, तो जनरली मेरे को इस प्रोफेशनली करने का टाइम नहीं मिला। बट अभी मैंने सोचा कि नहीं, इट्स टू मच, अब मेरे को आई शुड ऑल्सो लिव माई अदर पैशन। मैं जिस तरह देख रहा था आपको ट्रैवलिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है, फिटनेस फ्रीक आप हुए हैं, तो अब इतने सारे आपने अलग अलग डिस्टेंस में घूमते हैं, कभी आप जैसे कहीं और सफ़र कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग का कितना ज़्यादा असर रहता है म्यूज़िक पे, क्योंकि जो लिखता है, जो कंपोज करता है, जो आर्टिस्ट होता है, उस पर ट्रैवल का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको एक डिफरेंट जोन चाहिए कुछ लिखने के लिए, कुछ क्राफ्ट बनाने के लिए, तो वो कैसा रहता है आपका उस समय। नहीं बिल्कुल, आई टोटली अग्री कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को न्यू कंपोजिशंस, नए लिरिक्स बिल्कुल आते हैं, क्योंकि आप दूसरी डायमेंशन देखते हो लाइफ के, तो 100% मुझे तब बेटर लगता है जब मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं बेटर लिख पाता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मेरे को टाइम मिले क्रिकेट से हट के, तो मैं म्यूज़िक के लिए भी और वैसे भी लाइफ को और एक्सपीरियंस करने के लिए ट्रैवल कर पाऊँ। जिस तरह से हमने देखा ये म्यूज़िक, अभी आप इंडी म्यूज़िक सीन में आ चुके हो, इंडिपेंडेंट आप भी, इसने अपने प्रोडक्शन हाउस अपना म्यूज़िक से, यूट्यूब अपने चैनल से इसको लॉन्च किया है, तो अभी जो इंडियन म्यूज़िक सीन है और इंडिपेंडेंट लोगों का आजकल अब ये है कि सोशल मीडिया है, तो इसमें टैलेंट है वो आगे बढ़ गई, तो इसको लेके आपका कहना कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सीन आज का किस तरफ जा रहा है। नहीं बिल्कुल, आज की डेट में सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो और बेटर वेज में, तो बिल्कुल आज की डेट में इट इज़ easier, at the same time competition भी उतना है, तो you have to be good, but I think art ऐसी चीज़ है जो बहुत personalized है, और उसमें जितना आप art की तरफ ध्यान दो तो फिर competition की तरफ ध्यान नहीं जाता, तो you should just express yourself। मैडी भाई, आगे वाले टाइम में अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या आपके पिटारे से 2024 से आगे फर्दर क्या हमें देखने को मिल सकता है। अभी मेरा अगले महीने ही रूबरू करके गाना आने वाला है, तो वो जल्दी आपको मिलेगा सुनने के लिए। उसके अलावा मैं क्रिकेट पे भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और हमारी यूपी लीग होती है यूपी T20 लीग, तो उसके लिए मैं काफ़ी तैयारी कर रहा हूँ। आखिरी कुछ सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स का, मैंने देखा है बहुत सपोर्ट सिस्टम, और आपके फादर का एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें आपका इंटरव्यू वो लेते हुए नजर आए थे, तो सपोर्ट सिस्टम रहता है, तो जब उन्होंने इस गाने को सुना और उन्होंने ऑफिशियल वीडियो देखी हमसे पहले और उन्होंने देखी होगी, तो उनका कैसा रिएक्शन था। नहीं वो बिल्कुल सरप्राइज थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि मैं क्रिकेट पूरा टाइम तो ग्राउंड पर रहता हूँ, तो इतना आर्टिस्टिक, मतलब वो सरप्राइज थे और वो बहुत खुश थे, एंड उनके चेहरे पे अलग ही प्राउड था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने उस चीज़ में भी मुझे सपोर्ट किया। क्रिकेट से मुझे हमेशा वो नेट में, हमेशा जब से मैं छोटा हूँ वो बॉल डालते आए हैं, बट अब जब मैं म्यूज़िक भी करना चाह रहा हूँ, तो आई एम वेरी लकी कि उन्होंने मुझे उसमें भी सपोर्ट उतना ही किया, तो मुझे मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग भी है। बिल्कुल, हम
भी आपको इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे जैसे क्रिकेट की आपकी पारी है, म्यूजिकल पारी भी इस तरह की रहे। आखिरी दो सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर सोशल मीडिया में आपका देख रहा था उसमें सुरेश रैना पाजी आपको फॉलो करते हैं और वो भी यूपी से खेल चुके हैं, पहले भी रणजी भी वो खेल चुके हैं, तो किस तरह से मेंटोर की तरह देखते हैं, बड़े भाई की तरह देखते हैं आप, कैसी कभी किस तरह से उनके साथ बॉन्ड है? हाँ, जब मेरा डेब्यू हुआ था तो रैना भी ऑलरेडी तब सीनियर थे और वो लास्ट उस टाइम खेले थे रणजी मेरे साथ, मेरा डेब्यू उनके साथ ही हुआ था, तो उन्होंने हमेशा मेरे को काउंसलिंग करी और समझाया कि कैसे मेहनत करते रहना है और रिजल्ट पे नहीं जाना है, तो उनका एक्सपीरियंस हमेशा साथ रहता है, जब भी कभी उनसे बात हो पाती है तो ही ऑलवेज हेल्प्स मी आउट, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो। तो जिस तरह से आपसे पहले तो बात करके बहुत अच्छा लगा और ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आप लेके आइए अपने फैंस के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, और मैं भी आशा करता हूँ कि जिस तरह का आपका ये गाने को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आने वाले फ्यूचर में जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी वैसा रिस्पांस मिले। तो मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे फर्दर सी और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।